कपड़े दिख रहे हैं देखो बच्चे कैसे देख रहे हैं जी दिखाती हूँ ये देखो अभी। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हैदर व्लॉग्स में। तो यहाँ पर देखिए, अब जिस दिन हम लोग हॉस्पिटल से आ चुके थे उसका ये नेक्स्ट दिन है और यहाँ पर मम्मी कपड़े धो रही हैं और सुबह का टाइम है और पक्षी बैठे हुए हैं तो बच्चे देख के खुश हो रहे हैं पक्षी को। और आज मुझे मायके जाना है तो आज मैं मायके जा रही हूँ और बस मिलने के लिए अपने, और ये भी आए हुए थे तो ये उनको भी मम्मी वाला सबसे मिलना है। और तो बस यहाँ पर मैं अपने घर जा रही हूँ और अपने घर आ चुकी हूँ और यहाँ पर देखिए बस मैं अपने भाई की शादी की एल्बम देख रही हूँ और सबनी फ़ोटो बस सभी को देख के बड़ी अच्छा लग रहा है देखकर। तो बस अगर आपको भी अगर मेरी भाई की शादी की एल्बम देखना है तो मुझे बताना कमेंट करके, तो फिर मैं आपको संग शेयर करूँगी अपने भाई की शादी की एल्बम्स और फ़ोटो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक थोड़ी सी एक पेज की झलक दिखा देती हूँ जिससे आपको देखने की इच्छा होगी। तो देखिए मेरे छोटा वाला भाई और मेरी भाभी की एल्बम है तो कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो अगर आपको पूरी एल्बम देखना है तो ज़रूर मुझे बताना, मैं आपको संग शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर भाभी बना रही है मछली तो बस यहाँ पर हम लोग खाना खाएँगे। भाभी ने फिश तो बना दी है, उसे थोड़े फिश पकोड़े बना रही हैं तो उसकी तैयारी चल रही है उनकी। और यहाँ खाना बनके रेडी तैयार हो गया है तो ये सबसे पहले इनको खाना निकाल दिया, ये खाना खा रहे हैं। और क्योंकि इनको जाना है तो ये यहाँ पर कभी भी रात में नहीं रुकते हैं और बस खाना वाना खा कर चले जाते हैं ये, क्योंकि पास में ही माई का ससुराल है तो बस हाल दो किलोमीटर का रास्ता है तो बस रात में कभी भी यहाँ नहीं रुकते, चले जाते हैं अपने घर। और यहाँ पर ये खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, भाभी अच्छा खाना वगैरह बनाती हैं और ये करती हैं। रोटी तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाती हैं, कौन सा आटा यूज करते हैं तो ये पूछ रहे हैं मम्मी से। तो मम्मी बता रहे हैं कि बस हम लोग तो ये पैकेट वाला आटा मंगाते हैं ये करते हैं। तो मम्मी कुछ बता रही तो कह रहे हैं बहुत अच्छी सॉफ्ट रोटी बनती हैं, अच्छी बनती है, भखाभक सफ़ेद आप लोगों की और खाना भी बहुत अच्छा बनता है। तो बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है, हमारे यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है तो बहुत अच्छे चाव से खाते हैं खाना और पूरी सुन्नत अदा से खाते हैं प्याली साफ़ करके। तो कहते हैं देखो मैं किस तरह से प्याली साफ़ करके खाना खाता हूँ। और तो बस ये यहाँ पर से खाना खाकर अपने घर चले गए थे और मैं यहाँ पर रुक गई थी। तो यहाँ का ये क्योंकि मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं पहले रह नहीं पाई थी, सुमाला की तबियत ख़राब हो गई थी तो मेरे 10-15 दिन तो अस्पताल में चले गए थे तो मैं रह नहीं पाई। तो तुरंत सोचा एक दिन और रह लो, एक दो दिन जब तक मैं हूँ। तो बस मैं यहाँ पर आज एक दो दिन के लिए रुक गई हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरे से कौन मिलने आया है, तो देखिए मेरी बाजी मुझसे मिलने के लिए आई है जो सबसे बड़ी बाजी है मेरी और बहुत ही अच्छी बाजी है ये। बहुत इनका नेचर इतना अच्छा है ना कि जितनी तारीफ़ करो उतनी ही कम है। और ये मतलब मुझसे खुद यहाँ पे मिलने के लिए आई, मैं तो नहीं जा पाई। उन्होंने मुझे फ़ोन करा, कॉल करा कि निकी आ जाओ मुरैना मिलने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा पाई मुरैना मिलने के लिए क्योंकि सुमाला की तबीयत ख़राब हो चुकी थी और मैं एडमिट हो गई थी सुमाला को लेके, तो मैंने जब भी तो फिर बाजी मुझसे खुद यहाँ पर मिलने के लिए आई हैं। और ये देखिए मिली मेरी बाजी से, ये देखिए हमारी बाजी है बड़ी वाली, हमारी खाला की लड़की और उसकी मम्मी भी है, आपने देखा भी होगा ना। अभी यहाँ पे मैं अपने घर पे हूँ मायके में ग्वालियर और बाजी से मिलने आई हुई थी और घर पे इनवाइट भी करी हुई जाने के लिए क्योंकि मुझे टाइम नहीं है तो मैं जा पाऊंगी। भाई जा रही है अभी तो भी यार ही रोक रहे हैं तो जरूर भी शाम को खाना खा के जाती तो नहीं आ रही अभी तो यहाँ पर बाजी जा रही हैं अपने घर मुरैना और हम उनको रोक रहे हैं कि बाजी रुक जाओ एक दिन के लिए, तो लेकिन बाजी नहीं रुक रही हैं और क्योंकि घर पर कोई नहीं है इसलिए बाजी को जाना पड़ेगा। और बाजी हमको यहाँ पर पैसे वाले सभी को नहीं पकड़ पकड़ आप पकड़ ले जल्दी जल्दी वालेकुम अस्सलाम। बस बाजी अम्मा दो सबको लेके जा रहे हैं, बहुत सारी खाना खाना हां तो बाजी बहुत सारी नहीं है, है तो ऐसी करती है, बहुत सारी नहीं अपनी नहीं पांच है ठीक है। वहाँ भी नहीं भाई मोनी बोले भाई ये ना बुलबुल की शादी में ना उसमें है लवली के आ पाएंगी, बस लवली के पहुंच गई थी बजे तो कहीं एक में भी नहीं आ पाएंगी है। बुलबुल की शादी में सभी जाऊं जाऊं तो बुलबुल की शादी में जा पाऊंगी, वही तो कह रहा है बुलबुल की शादी में सभी जाऊं जाऊं मैं तो वो लॉकडाउन के चक्कर में जा पाऊंगी। ट्रेन में तो हुई थी ना, चलें रुक जाती
अरे अभी पहुँचती हूँ। वो भी कहाँ पे है? वो भी यही है, कल तो उस यहाँ पे हमजा भी इनके पीछे पे लगने लगा कि मैं भी जाऊँगा, और बस उसको पैसे मिल गए थे हमजा को उस लिए। और यहाँ पे भाजी सबको पैसे बांट रही थी, तो हम सबसे मना कर रहे थे कि नहीं दो मत दो सबों को, लेकिन भाजी नहीं मान रही थी, सभी को पैसे बांट के गई। और बस यहाँ पर बाजी जा रही हैं, और ये जो खड़ी और ये मेरी भाभी हैं, और ये भाभी भी इनकी रियल सिस्टर हैं, तो खास सिस्टर इनकी, तो जो मेरी भाभी भी लगती हैं, मेरी भाभी भी हैं, तो हम लोग सब एक बस मेरी खाला और मेरी मम्मी एक बहन ही हैं, तो बस हम लोग आपस में रिश्तेदारी है। वो तो मैं सोच रही मेरी एंडिंग की नहीं होगी, यहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, मिल जाएगी, चल नहीं लग तेरे पे थोड़ा उतार कर ठीक है, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। मतलब हम लोग सब लोग सिस्टर हैं आपस में, और एक मेरी खाला की लड़की हैं जो मेरी भाई बन के आई हैं, जो ये मेरी खड़ी हुई हैं एक भाभी, और बस और ये बुलबुल की मम्मी भी हैं अंजू बाजी, जो वो हैं सामने जो बड़ी बाजी, सबसे बड़ी बाजी हैं वो बुलबुल की मम्मी हैं, जो कि आपने बुलबुल की कई वीडियो में देखा होगा बाजी को। तो बस बाजी यहाँ पर जा रही है, मुझसे पूछ रही है निकी अब आओ तो नेक्स्ट टाइम तो जरूर आना मुझे ना, तो मैंने कि हाँ अब की बार जाऊँ नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो आपसे ज़रूर मिलने के लिए आऊँगी सभी से। और बाजी को यहाँ पर मैंने सलाम कह दिया, बाजी चली गई हैं। और यहाँ पर बस बाजी के जाने के बाद यहाँ पर देखिए मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए आई है, जो हम लोगों की बचपन की फ्रेंड है मेरी, तो हम लोगों ने बचपन में खेला कूदा और स्कूल कॉलेज सभी करे हैं। चलो गाइस देखिए मेरी बचपन की, आओ मायरा, आओ मायरा, अच्छी प्यारी प्यारी बातें भी करती है। और ये है सन्नो, जैसे सन के नाम है शबाना ना, और लोग कॉलेज के और स्कूल के फ्रेंड बचपन के। तो बस इसको यहाँ पर शर्म आने लगी थी और कह दी कैमरा हटाओ हटाओ बस ज़्यादा बातें मत कराओ, तो बस ने कैमरा हटवा दिया था बस। और यहाँ पर देखिए ये भी आ चुके हैं हम लोगों को लेने के लिए, और आज हमारी चाचा के यहाँ पर हमारी दावत है, तो बस यहाँ पर आज हम लोग शाम को खाना खाने जाएंगे चाचा के यहाँ पर, तो वाली वीडियो में आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और बस यहाँ पर हम लोग मैं और ये सब लोग बातें करते बच्चों की, कि बच्चे बस नानी के यहाँ पर आते हैं और तबियत ख़राब रहती है, और नाना नानी को बदनाम कर देते कि वहाँ पर जाते हैं बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, तो जाने भी नहीं देते हम लोगों को ज़्यादा मायके में बच्चों के चक्कर, हम लोग अपने मायके भी यहाँ पाते बस यही बातें कर रहे थे। तो बस ये और यहीं पे मेरा वीडियो का एंड करूँगी, और आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।